आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 और पार्ट 4 और प्रश्न नंबर 10 बताने जा रहे हैं। इसके पहले पार्ट 3 में आपका 9 तक हो गया था। चलिए देखते हैं। सीटी और जीएच क्रमशः कोण एसीबी और ईजीएफ के ऐसे समभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और एपीजी के भुजाओं के एबी और एफसी पर स्थित है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप एफपीजी हो तो दर्शाइए कि सीडी बटे जीएच बराबर एसी बटे एफजी। दूसरा त्रिभुज डीसीबी बराबर त्रिभुज एचजीई और तीसरा त्रिभुज डीसीए बराबर एचजीएफ। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। तो समरूप त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज हो गया हमारा, एक त्रिभुज ये हो गया ठीक। इसमें देखिए सी डी और जी एच, सी डी समभाजक है, इसको मान लेते हैं सी और यहां मान लेते हैं डी, इसको ऐसे मिला देंगे ठीक। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी ठीक। उसी प्रकार सी डी और जी एच, अब जी एच बोल रहा है समभाजक तो यहाँ जी मान लेते हैं और यहाँ एच मान लेते हैं, तो क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे ठीक। और इसको ई मान लो, इसको यह देखिए हमारा समरूप त्रिभुज बन गया। कोण ए सी बी ई सी एफ ए बी सी पी एफ ई जी एबीसी एफसीजी दर्शाइए कि सबसे पहला हम देखते हैं कि सीडी बटा जीएच बराबर एसी बटा एफजी। क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी तथा एफजी एच में ठीक। त्रिभुज पहला वाला हल कर रहे हैं, त्रिभुज ए ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज एफ जी एच, त्रिभुज एफ जी एच में ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, देखिए कोण सी ए डी बराबर कोण सी ए डी बराबर कोण जी एफ एच, कोण जी एफ एच क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है, एफ ई जी। इसलिए क्या हमारा समरूप हो, क्या करेंगे देखिए कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा ठीक है। कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, एफ जी एच ठीक। और देखिए अगर इस कोण की बात होगी, ये कोण ए कोण यानी कोण डी बराबर कोण एच, कोण डी बराबर कोण एच ठीक। एंगल एंगल के नियम से एंगल एंगल के नियम से त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच, त्रिभुज एफ जी एच ठीक, त्रिभुज एफ जी एच। देखिए हमारा त्रिभुज समरूप हो गया, क्या होंगे इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए संगत भुजाएं
संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। समानुपाती होंगी अर्थात क्या हो जाएगा? हो जाएगा सीडी बटा जीएच बराबर एसी बटा एफजी, एसी एसी बटा एफजी। देखिए पहला हमारा सिद्ध हो गया। अब चलिए हम सेकंड बताते हैं, दूसरा देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं या इसी पर दूसरा भी लगा देते हैं। देखिए पाला हो गया, दूसरा मिश्रित कर त्रिभुज डीसीबी बराबर समरूप त्रिभुज एचजीएफ। त्रिभुज लेंगे डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज जीईएच, जीई ये तुम जैसे इसमें सेम वैसे इसमें मिलेगा कोण, कोण सी बी डी बराबर कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा जीईएच, जीईएच क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफईजी, एफईजी। और देखिए क्या होगा, कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण ई जी एच, कोण ई जी एच हो जाएगा। और देखिए लेकिन कोण, कोण ए सी बी, ये पूरा वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? बराबर कोण एफ जी ई, एफ जी ई। और करेंगे हाफ कोण ए सी बी बराबर हाफ कोण एक बटा एफ जी ई। ठीक, अब आगे देखिए, देखिए कोण कोण क्या होगा बराबर, और क्या लिखेंगे एंगल एंगल के नियम से, एंगल एंगल के नियम से क्या होगा? त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, त्रिभुज एच जी ई। देखिए दो हो गया, चलिए तीसरा हल करते हैं। तीसरा पार्ट इसका, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए तीसरा, तीसरे में त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए और एच जी एफ में, डी सी ए और एच जी एफ, एच जी एफ में। ठीक, लिखेंगे कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच, कोण एफ जी एच कोण सी ए डी, कोण सी ए डी बराबर कोण सी ए डी किसके बराबर होगा? जी एफ एच,
डी एफ ई एच क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ जी, ई एफ जी ठीक। और कोण सी बी डी बराबर कोण सी बी डी बराबर किसके होगा? जी ई एच, जी ई एच। और हाफ कोण ए सी बी बराबर कोण एक बटा दो कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई ठीक। देखिए इतना हो गया हमारा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है एंगल एंगल के। नियम से एंगल एंगल के नियम से त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, एच जी एफ क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आकृति में AB बराबर AC वाले समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई भुजा CB पर, ABC की बढ़ाई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु P है। यदि AD लंब BC, देखिए AD जो है किस पर लंब है? BC पर। और EF लंब AC, और जो EF है लंब किस पे है? AC। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज ABC में देखिए AB बराबर समद्विबाहु त्रिभुज दोनों भुजा क्या होंगी हमारी? बराबर होंगी, AB बराबर AC, AB बराबर AC हो जाएंगी। और देखिए EF लंब किस पर है? EF, EF लंब है AC पर, EF लंब AC और AD लंब BC, AD लंब BC। चलिए हल करते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD तथा CEF में, त्रिभुज ECF में ठीक, कोण AB, कोण ABC बराबर A वाला कोण, A वाला कोण इसके बराबर होगा कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के ठीक है। और इसमें देखिए कोण, कोण ई एफ सी, कोण ई एफ सी बराबर कोण ई एफ सी बराबर कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर कितना होगा? 90। समीकरण एक मान लेते हैं ठीक है। और देखिए कोण ए सी डी, कोण ए सी, ए सी डी बराबर कोण ए वाला जो कोण होगा ठीक है, ए सी डी बराबर कोण ए बी डी, कोण ए बी डी समीकरण दो मान लेते हैं ठीक। तो क्या हो जाए? देखिए कोण इसमें बराबर ट्रायंगल एंगल के
नियम पे एंगल एंगल के नियम से त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ है। ईसीएफ क्या करना था हमें सिद्ध करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी, एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाओं पीक्यू तथा क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के समान बताए कि त्रिभुज एबीसी समरूप पीक्यूआर। तो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज हो गया त्रिभुज, मान लेते ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तो माध्यिका ए डी, माध्यिका मतलब यहाँ से बीच ए डी, ठीक। फिर एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक। माध्यिका पी एम के समान पाती है, क्या माध्यिका इसकी पी एम, पी एम के समान पाती है, ठीक है। तो समान पाती दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक, और किसके समरूप है पी क्यू आर में। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक। देखिए ए डी लंब, ए डी ए वाला किस पर लंब है, बी सी भुजा पर, लिखेंगे बी सी, बी सी, और इसमें पी एम लंब किसके है, पी एम लंब है क्यू आर पर, क्यू आर भुजा पर, ठीक। और देखिए इसमें कोण, कोण ए बी सी, कोण के बाद थोड़ा पहले तुलना कर लेते हैं, ठीक। ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा भुजक तुलना करेंगे, ए बी बटा पी क्यू, बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, बराबर बी सी बटा क्यू आर, बराबर ये दोनों माध्यिका क्या है, दोनों बराबर है ए डी बटा, ए डी बटा पी एम, ठीक। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर, देखिए अगर इसका देखिए आधा आधा में अगर हाफ करेंगे बी सी, हाफ बी सी बटा हाफ क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम हो जाएगा, ठीक। तो ए बी बटा पी क्यू, देखिए ये आधा किसके है, बी डी के, यहाँ लिख सकते हैं बी डी, और इसमें किसका आधा है क्यू एम, इसमें लिख सकते हैं क्यू एम बराबर ए डी बटा, ए डी बटा पी एम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, देखते हैं क्या होगा। एंगल एंगल के नियम से ठीक त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके हो जाए, त्रिभुज पी क्यू एम,
पी क्यू एम हो जाएगा। फिर देखिए कोण ए बी डी बराबर कोण ए बी डी बराबर कोण पी क्यू एम, पी क्यू एम कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। ठीक, भुजाओं की तुलना कर देंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। ठीक, क्या लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 से।